तो जो पेंशन यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आफ्टर अप्रैल 2023 और जब भी आपकी यहाँ पे रिटायरमेंट एज होती है उस टाइम पे क्या वैल्यू है पेंशन पॉट की। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो कि यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर मान लो आप एज अ डिपेंडेंट आ रहे हो और एज अ डिपेंडेंट आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूँ गौरव। मैं हूँ अवि। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के ऊपर। यूके में पेंशन सिस्टम क्या होता है, कितनी पेंशन आप देते हो, कितनी पेंशन आपको मिलती है, यहाँ पे स्टेट रिटायरमेंट एज क्या होती है और पेंशन में एनरोल कैसे करते हैं, अगर आप ये कंट्री छोड़ के जाते हो तो आपको पेंशन वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो बेसिक्स है पेंशन के वो आपके क्लियर होने चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री से यूके में माइग्रेट हो रहे हो। तो जो पेंशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डजंट मैटर आप किस कंट्री में रह रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वर्किंग ईयर्स में आप कुछ पेंशन में इन्वेस्ट करो ताकि आपकी जो रिटायरमेंट है वो इजी हो सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेंशन स्कीम जो है वो होती क्या है। बेसिक नॉलेज है बहुत ज्यादा कि जब भी आप यहाँ पे काम करते हो किसी भी कंपनी में तो रिटायरमेंट से पहले पहले जितना भी आपका वर्किंग टाइम है उसमें आप यहाँ पे एक पेंशन देते हो, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो अपने वर्क प्लेस पे और वो पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मिलते हैं ताकि आपको रिटायरमेंट में थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपके रिटायरमेंट काटने में। तो पैसे कहीं ना कहीं से तो आने ही है ना, तो रिटायरमेंट में जो पैसे आते हैं वो आपके पेंशन वाले पैसे आते हैं। अब यूके में बेसिकली थ्री टाइप्स की पेंशन होती है। सबसे पहले होती है स्टेट पेंशन, दूसरी होती है डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम, तीसरी होती है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। तो ये तीन पेंशन स्कीम जो होती है वो यूके में अवेलेबल होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट पेंशन के बारे में। यूके गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेट पेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो लोग एक बार स्टेट पेंशन एज पे पहुंच जाते हैं उनके अकाउंट में रेगुलर पेमेंट्स दी जाती है। एक बार आप 68 इयर्स तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो है वो स्टेट पेंशन शुरू होती है। और टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम यू हैव टू पे नेशनल इंश्योरेंस फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है स्टेट पेंशन का, आपको 10 क्वालिफाइंग इयर्स के लिए नेशनल इंश्योरेंस जो है वो पे करना होता है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो स्टेट पेंशन के लिए। और 35 इयर्स तक अगर आपने नेशनल इंश्योरेंस पे किया है तो आप फुल स्टेट पेंशन आपको मिलेगी, अदरवाइज वो जैसे भी प्रोरेटा बेसिस पे जैसे भी कैलकुलेट करके आपको देंगे। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है स्टेट पेंशन की। तो अब बात करते हैं कि पैसे मिलते कितने हैं। सो फ्रॉम अप्रैल 2023 जो स्टेट पेंशन है वो राइज होगी अप टू 10%। तो जो पेंशन यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आफ्टर अप्रैल 2023 दैट विल बी 10,600 पाउंड्स अ ईयर व्हिच कम्स टू 204 पाउंड्स अ वीक। और ये उन्हीं को ही मिलेगा जो कि क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है तो वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये अमाउंट जो है आपके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। और कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि मान लो रिटायरमेंट के बाद वो किसी और कंट्री में जाके रहना चाहते हैं तो उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यस, यू कैन क्लेम स्टेट पेंशन फ्रॉम यूके अगर आपने क्वालिफाइंग पीरियड तक आपने यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस पे किया है। तो आप किसी भी कंट्री में हो वहां पे आपको नेशनल आप स्टेट पेंशन जो है वो क्लेम कर सकते हो। उसमें भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जो एग्जेम्प्ट है, वो आप गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कौन कौन सी कंट्री जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो अब बात करते हैं वर्क प्लेस पेंशन के बारे में। वर्क प्लेस पेंशन क्या है, दिस इज बेसिकली अ वे ऑफ सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट दैट्स अरेंज्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो है जहां पर भी आप जॉब करते हो वो जो एम्प्लॉयर है वो अरेंज करता है ये वाली जो रिटायरमेंट या फिर जो पेंशन स्कीम्स होती है, ठीक है। अब इसमें दो तरह की आती है, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम्स और डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। तो हम लोग जो है मोस्टली जो है कॉन्ट्रीब्यूशन वाली में करते हैं, बट ये होता क्या है एक बार आपको वो बता देते हैं। तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो डिफाइंड बेनिफिट में क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो गारंटी करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स कि आपकी सैलरी कितनी है और आपका लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, उसके हिसाब से वो आपको एक पेंशन पॉट बना के देता है कि मैं इतनी पेंशन आपको दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दोस टू फैक्टर्स। बट दिस स्कीम is becoming less and less common क्योंकि ये ना employer के लिए बहुत ज्यादा costly पड़ जाती है। तो defined contribution क्या होता है, इसमें जो कि हम normally जो भी यहाँ पे job कर रहे हैं आजकल 99% जो है वो वही pay करते हैं pension scheme का। तो बेसिकली डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कुछ परसेंटेज आप यानी कि एम्प्लॉई पे करता है पेंशन स्कीम में, कुछ परसेंटेज जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है, टोटल जो है वो आपका पेंशन पॉट में चला जाता है। और जब भी आप यहाँ पे रिटायर होते हो तो उसके बाद आपको एक पेंशन पॉट जो है वो धीरे धीरे करते हैं वो मिलता है, आपकी रेगुलर एक इनकम बन जाती है रिटायरमेंट पे। तो मिनिमम जो है 5% एटलीस्ट एम्प्लॉई को देना पड़ता है अपनी सैलरी का पेंशन स्कीम के अंदर, और 3% जो है मिनिमम एम्प्लॉयर डालता है, 3% से ज्यादा भी डाल सकता है, मोस्टली कंपनी यहाँ पे 5% भी डालती है तो टोटल 10% हो गया, बट मिनिमम की बात की जाए तो टोटल 8% जो है आपको पेंशन स्कीम में चला जाता है। और जो पेंशन पॉट होता है दिस इज देन इन्वेस्टेड, और जब भी आपकी यहाँ पे रिटायरमेंट एज होती है उस टाइम पे क्या वैल्यू है पेंशन पॉट की, उसमें से आपको जो है वो पेंशन दी जाती है यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद। अब एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, मान लो कि आपने 40 पाउंड जो है वो पेंशन स्कीम में डाले अपनी सैलरी से,
£30 जो है वो एम्प्लॉयर ने डाले तो £70 हो गए। इसके बाद £10 आपको टैक्स रिलीफ मिलता है तो टोटल £80 जो है वो आपका पेंशन स्कीम के अंदर जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, बट जनरली केसेस में क्या होता है आपको खुद कैलकुलेशंस नहीं करनी। आप सैलरी स्लिप में देख सकते हो कितना आपका एनआई यहाँ पे कटा है, कितना आपका पेंशन कटा है, कितना यहाँ पे आपका पेई टैक्स कटा है, तो ये सारी चीजें आप जो है अपनी सैलरी स्लिप में देख सकते हो। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन पेंशन स्कीम है यूके में और मुझे लगता है ये काफी बेटर भी है क्योंकि इसमें जो आपका पेंशन पॉट है वो इन्वेस्ट हो रहा है तो मतलब वो बढ़ रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट का भी जो उस टाइम पे रेट चल रहा होगा वो भी एड हो जाता है आपके पेंशन पॉट में और उससे जो है की इनकम जो है वो बढ़ जाती है एवरी मंथ की। तो मुझे लगता है काफी बेटर पेंशन स्कीम है। इसी के साथ एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑटो एनरोलमेंट। तो आपको ये नहीं है कि जब भी आप यहाँ पे जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको एनरोल करना है पेंशन स्कीम में, आप खुद ही यहाँ पे ऑटो एनरोल हो जाते हो। बेसिकली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि सबकी रिटायरमेंट एज के बाद कुछ ना कुछ उनको पैसा मिले, इसलिए वो एलिजिबल एम्प्लॉय जो भी होते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर जो होता है वो उनको ऑटो एनरोल कर देता है पेंशन स्कीम के अंदर। अगर आप चाहो तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, लेकिन वी वुडंट रिकमेंड यू कि आप ऑप्ट आउट करो अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहते हो। तो अगर आपका प्लान है यूके में लॉन्ग टर्म रहने का कि आपको रिटायरमेंट तक कुछ इनकम बन जाए, रिटायरमेंट के बाद कुछ इनकम एवरी मंथ आती रहे, तो आपको जरूर इन पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप वर्ल्ड में कहाँ रह रहे हो, कुछ कंट्रीज जो है वो एग्जेम्प्ट है, बट मोस्टली कंट्रीज लाइक इंडिया में अगर आप वापस जाना चाहते हो तो आपको वो पेंशन जो है मंथली की वो मिलती रहती है, रिटायरमेंट एज के बाद आपको मिलेगी। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो लोग यहाँ पे लंबे टाइम के लिए रहना नहीं चाहते हैं, जो लोग वापस जाना चाहते हैं 3 साल बाद 5 साल बाद, तो उनको जो भी उन्होंने पेंशन में पैसे दिए वो उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वापस? तो बेसिकली विद इन 2 ईयर्स, मतलब जब आज आपने जॉब स्टार्ट कर लिया तो विद इन 2 ईयर्स अगर आप पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट करके रिफंड जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन डाल देते हो तो यू मे गेट योर पेंशन बैक। जितनी भी आपको पेंशन आपने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद अगर आप अप्लाई करोगे या बाद में सोचोगे कि आप भाई आपने पेंशन वापस लेनी है तो शायद वो आपको ना मिले। और गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे भी ऐसे लिखा हुआ है यू मे गेट इट बैक, ये नहीं लिखा हुआ यू विल गेट इट बैक। तो जो की गवर्नमेंट यूके पे लिखा हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी हमारा भी एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे कि भाई हमने भी कभी रिफंड मांगा है अभी तक पेंशन का, तो कोई रिफंड अभी तक हमने नहीं मांगा, इनफैक्ट हम पेंशन देते ही हैं। यहाँ पे क्या होता है जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्क प्लेस पेंशन के बारे में, तो जो एम्प्लॉयर है वो डिफरेंट प्रोवाइडर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका जो पेंशन प्रोवाइडर है वो डिफरेंट हो सकता है, आपने कंपनी मूव करी तो उसका जो पेंशन प्रोवाइडर है वो डिफरेंट होता है। तो क्या होता है कि इट्स फाइन अगर आप डिफरेंट प्रोवाइडर्स में दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेसेस अवेलेबल है जिसमें आप अपनी जो डिफरेंट पेंशन प्रोवाइडर्स है उसको एक कर सकते मर्ज कर सकते हो ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। और हर कंपनी में जब भी आप जहाँ पे ज्वाइन करोगे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, आपको एचआर बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी पेंशन स्कीम है, कौन सा प्रोवाइडर है, आपको वहाँ पे ये भी डिटेल मिलेगी कि आप जो पेंशन दे रहे हो वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, मतलब कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि भाई कितनी पेंशन आपने दे दी है। तो ये डिफरेंट प्रोवाइडर का डिफरेंट सिस्टम होता है, तो जहाँ पर भी आप जॉब करोगे वहां से आप चेक कर सकते हो ये चीज। और ये सारी डिटेल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में होती है, अगर आपको कुछ समझ ना आए आप एचआर के पास जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी पेंशन पॉट जो है वो चेक कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो कि यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर मान लो आप एज अ डिपेंडेंट आ रहे हो और एज अ डिपेंडेंट आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो कैसे पेंशन जो है वो क्लेम कर सकता है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? सेल्फ एम्प्लॉयड या किसी का बिजनेस है तो वो क्या कर सकता है? तो इस केस में आप खुद ही प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं, जो भी पेंशन प्रोवाइडर होता है उनके पास जाके आप कोई भी स्कीम ले सकते हो कि मैं भाई इतना पेंशन जो है वो पे करूंगा और फिर बाद में मुझे इतना मिलेगा। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो आपकी तरफ से ही होगा और रिटायरमेंट के बाद आप वो क्लेम जो है वो मतलब आपको मिल जाएगा वो जो भी पेंशन के पैसे होते हैं। बेसिकली आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है आप उनके पास जाओ, स्कीम खरीदो और पर मंथ आप पैसे दे सकते हो। तो ये थी सारी पेंशन स्कीम्स, आज हमने बात करी डिफरेंट पेंशन स्कीम्स के बारे में। पहली थी स्टेट पेंशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आप एक नंबर ऑफ ईयर्स तक एनआई कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो, जैसे कि हमने आपको डिटेल में
एक्सप्लेन किया। सेकंड थी वर्क प्लेस पेंशन, जिसमें जो आपका एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पेंशन स्कीम सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हो और एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम में। और एक थी बेनिफिट स्कीम, जो आजकल बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है, जिसमें एम्प्लॉयर डिसाइड करता था, गारंटी करता था कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी एंड नंबर ऑफ इयर्स जितना आपने काम किया इतना पेंशन पॉट में जाएगा। तो बेसिकली पेंशन स्कीम जो है इट्स अ वेरी गुड वे टू सेव फॉर योर रिटायरमेंट। डिफरेंट टाइप की जैसे कि पेंशन स्कीम हमने आपको बताई है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ अपने रिटायरमेंट के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्लानिंग एंड सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट। जब हम यहाँ नए आए थे तो स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि क्या पेंशन देनी जरूरी है। मतलब मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ना उसमें से मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था। मैंने भी ऑप्ट आउट किया था कि मैं क्यों पैसे दूं। मैंने कहा इतने ज्यादा पैसे जा रहे हैं मैं क्यों दूं। जब आप नए आते हो ना यहाँ पे तो आपको होता है कि जितने पैसे आपके बच जाए उतना अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जितना परसेंटेज आप डाल रहे हो मे बी उतना ही परसेंटेज आपका एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, तो टोटल कितना परसेंटेज आपकी पेंशन स्कीम में जा रहा है। तो अगर हो सके तो आप ऑप्ट आउट मत ही करना, अगर यहाँ पे आपका लॉन्ग टाइम रहने का प्लान है तो। अगर लॉन्ग टाइम रहने का प्लान नहीं है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, बट अगर प्लान है तो जरूर आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें आपका वही सेम परसेंटेज या सिमिलर परसेंटेज एम्प्लॉयर भी डाल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पॉट में। तो होपफुली आपको इस वीडियो से आज हेल्प मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं। यार 9 to 5 जॉब के बाद हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, आप बस एक बटन तो दबा ही सकते हो ना। वो मुश्किल होता है यार, काफी ज्यादा हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, तो अगर आप अप्रिशिएट करते हो हमारी वीडियो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।